सबसे नई बात और अलग बात मुझे ये समझ में आई, क्योंकि पहली बार मैं किसी ऐसे फंक्शन में आया। और दूसरी बात ये कि जिस तरह की मेकिंग है, टेकिंग है, जैसा प्रोमो हमने अभी देखा और गाने देखे, वो पूरी तरह कंप्लीट हिंदी सिनेमा की तरह है। और मुझे इसका विषय बहुत अच्छा लगा, जो कि मराठी नहीं बल्कि हिंदी में भी इसको बनाया जा सकता था। और बाकी मेरी शुभकामनाएं पूरे कलाकारों के साथ हैं, पूरी टीम के साथ हैं, कि उन्होंने क्योंकि फिल्म बनाना जो है लड़की की शादी करने से भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जब आप लड़की की शादी करते हैं तो आपको सामने वाले रिश्तेदार के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन सिनेमा जब आप बनाते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता है। आप सिर्फ अपने प्रेम से, अपने लगाव से, अपने मन से, तन से, धन से फिल्म बनाते हैं, उसका परिणाम आपको कुछ नहीं मालूम होता। ये सिनेमा की खासियत है और इसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है अगर बात करें? मेरी अभी 10 फिल्में तो लगभग कंप्लीट हैं, जिसमें से लखनवी इश्क, डायरेक्ट इश्क, सुनामी इश्क, वाहताज, फ्लेम, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स और हेलो हेलो व्हाट्सअप, अ डॉटर्स ड्रीम, और एक फिल्म कर रहा हूँ भैया जी सुपरहिट सनी देओल साहब के साथ, उसकी शूटिंग चल रही है। वेलकम। बाबू जी, जी जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बधाई देना चाहूँगा मेरे अजीज मित्र, मेरे ख़ास दोस्त, इनफैक्ट हमारी फैमिली है, अनिल काबरा जी जो कि बड़े भाई हैं, उन्होंने पहली बार ये फिल्म प्रोड्यूस की है। गुरुकुल मराठी फिल्म है और जैसा आप सब जानते हैं कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही अपना एक स्ट्रॉन्ग पहलू बन चुका है और बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, तो एक बहुत अच्छा कदम उठाया अनिल भाई ने। और चूँकि महाराष्ट्र में सभी को एक होप बनती है, अनिल भाई के लिए हमारे दिल से दुआएं हैं और इस फिल्म के लिए दिल से दुआएं हैं, कि इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए, इस फिल्म की कास्ट के लिए, सभी के लिए दिल से दुआएं हैं। और मैं चाहता हूं दर्शकों प्लीज़ ढेर सारी संख्या में जाएं और इस फिल्म को हिट करवाएं। थैंक यू सो मच। म्यूज़िक मूवी का म्यूज़िक जो है वो अमर भाई हैं, हमारे ख़ास दोस्त, उन्होंने किया है और भी काफ़ी लोगों ने किया है। तो म्यूज़िक तो नो डाउट, महाराष्ट्र अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट कल्ट रखता है म्यूज़िक के मामले में, तो नो डाउट स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक है। मैं चाहूँगा कि आप सब सुने भी इसे और राजेश जी बताएंगे आपको। बहुत खूबसूरत म्यूज़िक है और अरेंजमेंट इस फिल्म का जो है, अच्छा गाने का अरेंज जो किया है वो अमर भाई ने किया है, बहुत ही खूबसूरत किया है। अमर देसाई जी को आप सब जानते होंगे और मैं क्या नाम बोलूँ उनका, बहुत ही बड़ा नाम है अपने आप में और बहुत खूबसूरत काम करते हैं। इनके लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें और म्यूज़िक के लिए भी दुआ करें। थैंक यू। और कुछ? प्यार का पंचनामा 2।